ओके सर, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास 6th यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल्स। हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि हमारे पास में कई सारे फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, और जैसे कि वूल है, सिल्क है, ये फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। मोस्ट मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, एग्जाम्पल्स कॉटन, वूल, जूट, नायलॉन एंड आर फैब्रिक। ये हमारे पास में हमारे क्लोथ्स बने होते हैं वो अधिकतर हमारे इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कॉटन के हैं, वूल के हैं, जूट के हैं, नायलॉन के हैं, ये सभी हमारे पास में फाइबर से ही बनते हैं। लेदर इज नॉट अ फाइबर, जो लेदर है वो हमारे पास में फाइबर नहीं होता है। वी यूज वेरियस फाइबर्स, फाइबर्स हैव मैनी यूजेस, फाइबर्स के हमारे पास में कई सारे यूजेस होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग आवर क्लोथ्स, कारपेट, सैंड्स एंड बोर्ड्स, पैराशूट्स, अपहोल्स्ट्री एंड मैनी मोर टाइम्स। जो हमारे पास में फाइबर्स होते हैं जिससे हमारे पास में कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कारपेट है, क्लोथ हैं, बूट हैं, पैराशूट्स हैं एक्सेट्रा। जी हमारे पास में कई सारी जो आइटम्स हैं वो सभी किससे मिलकर बनते हैं? फाइबर से। फाइबर्स आर क्लासीफाइड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। जो हमारे पास में फाइबर है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब उनको हम दो कैटेगरी में बांटा है हमने फाइबर्स को। एक होते हैं नेचुरल, जो कि नेचुरल से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि नेचर से नहीं बल्कि हमारे इंसानों के द्वारा बनाए हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर आर दूस विच आर मेड बाई मैन, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होते हैं जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर आर्टिफिशियल फाइबर, जैसे नायलॉन है, रेयन है एंड पॉलिस्टर है, ये हमारे पास में आर्टिफिशियल फाइबर है। सम फाइबर्स लाइक अ सिल्क एंड वूल आर मेड अप ऑफ ए एनिमल, ये हमारे पास में जैसे कि सिल्क है, वूल है, ये हमारे पास में क्या है? वूल आर ऑफ एनिमल ऑरिजिन, एंड अदर लाइक अ कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स आर ऑफ प्लांट ऑरिजिन। जो हमारे पास में फाइबर्स हैं जैसे कि सिल्क और वुड, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एनिमल से। एंड दूसरे हैं जैसे कि कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। इनके ओरिजिन कहाँ से हैं? प्लांट से। प्लांट्स फाइबर आर सेल्युलोज बेस्ड, जो प्लांट्स के फाइबर होते हैं वो सेल्युलोज बेस्ड होते हैं, वाइल एनिमल्स फाइबर आर प्रोटीन बाई नेचर। जो हमारे पास में एनिमल्स के फाइबर्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन बाय नेचर से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ये हमारे पास में कौन से फाइबर हैं? ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें या तो एनिमल से या फिर प्लांट से मिलते हैं, वो होते हैं नेचुरल फाइबर। और जो मेन मेड द्वारा होते हैं, जो यानी कि अपने इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, वेजिटेबल फाइबर्स, दीज इंक्लूड्स कॉटन, द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स, हेम्प, जूट एक्सेट्रा। इसके अंदर आते हैं जैसे कि कॉटन है, ये हमारे मोस्ट वाइडली यूज फाइबर हैं फॉर टेक्सटाइल फाइबर। जो हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं वो कौन से? टेक्सटाइल फाइबर, हेम्प, जूट एक्सेट्रा, जो हमारे पास में ये वो फाइबर हैं जो कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। वेजिटेबल फाइबर आर बेस्ड ऑन सेलुलोज, जो वेजिटेबल फाइबर हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? सेलुलोज के ऊपर। और जो सेल्यूलोस, क्योंकि जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, इसलिए किस पे डिपेंड हो गए? जी सेल्यूलोस पे। ओके, द मटेरियल यूज बाय नेचर एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल, द मटेरियल यूज बाय नेचर एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द प्लांट्स। जो हमारे पास में नेचुरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास में स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं इन द प्लांट्स वर्ल्ड। जो हमारे पास में जो मान के चलिए जो नेचर होते हैं ना, नेचर, जो हमें नेचर से फाइबर मिलते हैं, तो हमारे पास में नेचर में अधिकतर जो मिलते हैं, जो मतलब उनका स्ट्रक्चर है अधिकतर, मतलब कि अगर नेचर से फाइबर मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, तो वो अधिकतर मिलते हैं हमें, अधिकतर वर्ल्ड के अंदर की बात करें तो वो मिलते हैं हमें किससे? प्लांट से। एनिमल फाइबर, दिस इंक्लूड वूल एंड द हेयर फाइबर्स लाइक मोहेयर, कैश मेरे
अल्फका, वीट टूना, एंगोरा, कैमल एंड रैबिट। आल्सो दिस आर द सिल्क फिलामेंट्स कंटिन्यूस फाइबर प्रोड्यूस्ड बाई द कॉकॉन्स एंड स्पिनिंग सिल्क मोथ लार्वा। ये हमारे पास में क्या होते हैं कि एनिमल्स फाइबर है, जो अधिकतर उनके जो हेयर्स होते हैं ना उनके अंदर ही क्या होता है, नेचुरली क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं इनके हेयर्स, और ये इन्हीं को हम कैसे लेते हैं, ऐसे फाइबर्स की तरह से यूज करते हैं। क्लियर है? एनिमल्स फाइबर आर मेड फ्रॉम प्रोटीन्स द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ द एनिमल्स। जो हमारे पास में एनिमल्स फाइबर है वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डेट फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जो हमारे पास में इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो आएगा चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।